आज हम नेटगियर एसी 1600 स्मार्ट वाईफाई डुअल बैंड गीगाबिट रूटर का 3 इयर्स यूजर एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो रूटर है, दिस इज आइडियल फॉर HD स्ट्रीमिंग एंड रिगरस वेब सर्फिंग। ये जो प्रोडक्ट है, ये मैंने जनवरी 2020 में खरीदा था Amazon से, और प्राइस जो मेरा पड़ा था वो है 3199 रुपीज। ये जो रूटर है, ये फास्टर डेटा ट्रांसफर रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये जो रूटर है, ये 1600 Mbps तक की डेटा ट्रांसफर स्पीड हैंडल कर सकता है। नॉर्मल रूटर से ये बेटर रेंज प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें मल्टी यूजर मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें स्लोअर डिवाइसेस के लिए एक डेटा पैकेट बफरिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल की जाती है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो कुछ भी सिक्योरिटी सिस्टम का जरूरत पड़ती है, उन सभी का इसमें प्रावधान किया गया है। ये एक डुअल बैंड रूटर है, इसमें 2.4 GHz एंड 5 GHz फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है डेटा ट्रांसफर रिसीव करने के लिए। इसमें 128 MB का NAND फ्लैश का इस्तेमाल किया गया है, और 128 MB का DDR3 RAM का इस्तेमाल किया गया है फॉर फास्टर ऑपरेशन। इसमें एक USB 2.0 पोर्ट का भी प्रावधान किया गया है फॉर स्टोरेज एक्सेस ओवर इंटरनेट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये जो प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 के बाद से सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कॉम्पैटिबल है। पिछले 3 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, और आज तक मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही स्मूथ एंड रिस्पॉन्सिव फास्टर ऑपरेशन ये मुझे प्रोवाइड करता है। डेटा ट्रांसफर रिसीव में कोई भी मुझे दिक्कत का सामना आज तक नहीं करना पड़ा इस रूटर के साथ। प्रॉपर कनेक्टिविटी देता है, कोई भी पैकेट लॉस डेटा लॉस या थ्रूपुट लैग मुझे देखने को कभी भी नहीं मिलता है। ये जो रूटर है, ये 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर पावर सप्लाई के साथ काम करता है। इस रूटर में इनफ वेंटिलेशन सिस्टम का प्रावधान किया गया है, ताकि ये फुल ऑपरेटिंग मोड में भी एकदम प्रॉपरली हीट डिसिपेट कर सकें, और इंटरनल्स जो है ये प्रॉपरली ठंडा होके काम कर सके। पीछे के तरफ और नीचे के तरफ पूरा वेंट ही वेंट दिया गया है। डुअल एंटेना का प्रावधान इसमें किया गया है। पीछे की तरफ देखें तो एक USB 2.0 का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, 4 LAN पोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, एक WAN पोर्ट देखने को मिल जाता है जिसके नीचे इंटरनेट लिखा गया है, एक WPS बटन, एक रीसेट होल, एक पावर बटन और पावर कनेक्टर का सॉकेट देखने को मिल जाता है। इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही स्टर्डी है, बहुत ही उम्दा क्वालिटी है इसका। देखने में भी बहुत ही हैंडसम है, और काम में भी बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही एफिशिएंट है। ये एक वर्ल्ड क्लास रूटर है, ये नॉर्मल रूटर नहीं है। ये फास्टर मैसिव ऑपरेशन के लिए, रिगरस एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक रूटर है। पिछले 3 साल से, मतलब कि जनवरी 2020 से अभी ये मार्च 2023 है, मैं इसे रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ। ये मेरा डेली ड्राइवर है। पूरा मेरा जो कुछ इंटरनेट का काम होता है या डेटा ट्रांसफर का काम होता है, मैं इसी के जरिए ही करता हूँ। दिस इज अ जेम प्रोडक्ट फ्रॉम नेटगियर। ये स्मॉल होम ऑफिस के लिए हो या मीडियम साइज ऑफिस के लिए हो, बहुत ही एक काबिल, बहुत ही एक एफिशिएंट रूटर के तौर पे ये काम करता है। इस रूटर के साथ मेरे घर के जो डिवाइसेस है वो सभी कनेक्ट रहते हैं, जैसे कि मेरा 5 स्मार्टफोन्स, 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट, ये सब इसके साथ कनेक्ट रहता है और पूरा दिन डेटा ट्रांसफर करता रहता है। आई एम फ्रॉम कोलकाता एंड आई एम यूजिंग सिटी ब्रॉडबैंड FTTH कनेक्शन। FTTH मतलब फाइबर टू द होम। तो मैं अपने घर में डायरेक्ट फाइबर कनेक्शन इस्तेमाल करता हूँ डेटा ट्रांसफर के लिए, मतलब कि इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, और उसी के साथ ये डिवाइस जुड़ा रहता है। ये डिवाइस पूरा दिन काम करता रहता है, अप्रोक्सीमेटली 19 से 20 आवर्स तक ये दिन में ऑन रहता है। इस रूटर के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल में पहले ही डाला हुआ है, आप जरूर सर्च करके देख सकते हैं। इस रूटर का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो मेरे चैनल में डाला हुआ है, आप जरूर सर्च करके देखिएगा। तो पिछले 3 साल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इस नेटगियर R6260 रूटर के साथ, दैट इज अनमैच्ड। ये रूटर मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया। दिस इज अ फ्यूचर प्रूफ रूटर बिकॉज इट कैन हैंडल अप टू 1600 Mbps डेटा ट्रांसफर स्पीड, एंड दिस इज अ डुअल बैंड गीगाबिट इथरनेट रूटर, वायरलेस रूटर। इसकी रेंज के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी क्वाइट सेटिस्फैक्टरी है। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर में रखा हुआ है, तो मेरे घर का जो एरिया है
पूरा एरिया आंगन सब कुछ मिला के मुझे कभी भी इसकी रेंज के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आई, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर हो, फर्स्ट फ्लोर हो, छत के ऊपर हो, नीचे आंगन में हो या कहीं पर भी हो, मुझे कभी भी इसकी रेंज के साथ भी कोई दिक्कत नहीं आई। ओवरऑल ये रूटर जो है ये एक बहुत ही बेहतरीन रूटर है, अगर आप चाहे तो जरूर इसे कंसीडर कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए